नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल ए टू जेड स्पीड न्यूज़ में। दोस्तों, T20 सीरीज 2-1 से दर्ज करने के बाद भारत और वेस्टइंडीज़ के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज खेली जा रही है, जिसका पहला मैच चेन्नई के चेपॉक स्टेडियम में खेला गया। 4 महीने बाद वनडे मैच खेलने उतरी भारतीय टीम को टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी करने का मौका मिला। भारत ने पहली पारी में वेस्टइंडीज़ के सामने 8 विकेट के नुकसान पर 287 रन बनाए। वेस्टइंडीज़ की टीम जवाब में शानदार प्रदर्शन करते हुए मात्र 2 विकेट खोकर ही बड़ी आसानी से लक्ष्य को हासिल कर लिया और सीरीज़ को 1-0 से बढ़त बना ली। लेकिन अगर इस मैच में भारतीय टीम ये 6 गलतियां नहीं करती तो सीरीज़ को 1-0 से आगे होता। पहली गलती, भारत इस मैदान पर टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करना चाहता था, लेकिन इस तरह की शुरुआत इस मैच में भारतीय बल्लेबाजों ने की थी, उससे भारत का ये फैसला गलत साबित हुआ। दूसरी गलती, पिछले कुछ सालों से भारतीय टीम के ऊपरी क्रम के बल्लेबाज हमेशा सफल रहा है, भारत की जीत में भी ऊपरी क्रम के वजह से ही मिलती है, लेकिन इस मैच में रोहित, विराट और केएल राहुल में से कोई भी बड़ी पारी खेलने में नाकाम रहे। तीसरी गलती, धीमी शुरुआत के बावजूद श्रेयस अय्यर और ऋषभ पंत की बड़ी पारी की वजह से भारत इस मैच में वापसी आ चुका था, लेकिन अंत में जब भारत को तेज गति से रन बनाने की ज़रूरत थी तब आखिरी 10 ओवर में भारत ने सिर्फ 72 रन ही बना सके। चौथी गलती, 287 रनों का लक्ष्य इस मैदान पर ज़्यादा बड़ा नहीं था, ऐसे में भारतीय गेंदबाजों को ज़रूरत थी कि यहां जल्द से जल्द वेस्टइंडीज़ को ऑल आउट किया जाए, लेकिन ये संभव नहीं हो पाया। पांचवी गलती, कुलदीप यादव और रविंद्र जडेजा काफ़ी महंगे साबित हुए। इस मैच में युजवेंद्र चहल को नहीं खिलाया गया। बीच के ओवर में जब शिमरन हेटमायर और शाई होप के बीच बड़ी साझेदारी बनी तो अतिरिक्त स्पिनर की कमी खलती हुई दिखाई दी। छठवीं गलती, न सिर्फ इस मैच में बल्कि पूरी सीरीज़ में भारत के लिए साधारण फील्डिंग बड़ी मुसीबत बन रही है। इस मैच में विराट कोहली, रोहित शर्मा और श्रेयस अय्यर जैसे फील्डरों ने विकेट लेने के मौके को गंवाया है। दोस्तों, आपके अनुसार सबसे बड़ी वजह क्या हो सकती है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।